यूपी में आज से होगा निःशुल्क राशन का वितरण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्रों को मिलेगा राशन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रदेश के 734 स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे मीटिंग। कोरोना की वर्तमान स्थिति पर होगी वर्चुअल बैठक। यूपी में नहीं होगी मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाएं। करीब 16 लाख बच्चों को किया जाएगा प्रमोट। क्लास 1 से लेकर 8 तक के छात्र प्रमोट होंगे। यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। अशोक कुमार राय को एसपी मैनपुरी बनाया गया। अशोक कुमार एसपी फिरोजाबाद बनाया गया। अजय कुमार को हरदोई एसपी की जिम्मेदारी। अस्पतालों में 4 जून से ओपीडी और आईपीडी सेवाएं शुरू करने के निर्देश। सभी सीएचसी और पीएचसी पर 4 जून से शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। यूपी में अब तक 48,714 बच्चों को हो चुका है कोरोना। 10 साल तक के 48,714 बच्चे हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में विश्व स्तरीय बनेगा लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। विदेशी एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। DB-A40 मॉडल पर 2 चरणों में होगा पुनर्विकसित। यूपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की हुई मीटिंग। कोरोना के चलते सरकार ने लिया फैसला। कानपुर में अपराधी को छुड़ाने के मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी बीजेपी जिला मंत्री नारायण भदौरिया को पद से हटाया गया। 11 में से 7 आरोपियों की पहचान हुई, एक गिरफ्तार। लखनऊ में बेसिक शिक्षा में कोरोना से 1774 कार्मिकों की मौत। विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजी। ग्रेटर नोएडा में पुलिसकर्मी और उनके परिजनों के लिए खोला गया वैक्सीन सेंटर। ग्रेटर नोएडा के भीमराव अंबेडकर छात्रावास में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। बीते 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के सामने आए 1,34,154 नए मामले, जबकि 2,899 मरीजों की जान चली गई। वाराणसी में बच्चों में फैल रहा कोरोना। 3 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की चल रही टेस्टिंग। 2 दिन में 1,868 बच्चों के सैंपल लिए गए। उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में कोविड कर्फ्यू से राहत। कई जगह लोग थोड़ी देर मिलते ही लापरवाह दिखाई पड़े। प्रदेश में पंचायत के रिक्त पदों पर 12 जून को डाले जाएंगे वोट। 14 जून को होगी वोटों की गिनती। कुल 1,41,796 रिक्त पदों पर होगा चुनाव। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन पहुंचा रहा किडनी को नुकसान। मरीजों की क्रिएटिनिन बढ़ने से आ रही है समस्या। साइड इफेक्ट से बचाने के लिए चलाई जा रही दूसरी दवा। आगरा में कोरोना कर्फ्यू हटते ही मिले दोगुने मरीज। बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। 5 दिन बाद नए मरीज बढ़े। उन्नाव में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल। नाइट कर्फ्यू और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस पर हमला। दबिश देने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया। पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया की अलग टीम को भेजा जाएगा। विराट कोहली और रवि शास्त्री ने यात्रा पर प्रतिबंध और बायो बबल को देखते हुए प्लान का समर्थन किया। सेंसेक्स 52,000 के पार और निफ्टी 15,600 के पार खुला। जियो और रिटेल में भारी निवेश के दिए मुकेश अंबानी ने संकेत। इसराइल में सत्ता परिवर्तन। विपक्षी दलों के बीच गठबंधन पर सहमति। बेनेट होंगे अगले प्रधानमंत्री। 12 साल से सत्ता पर काबिज नेतन्याहू का शासन खत्म। भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौते का आज 100वां दिन। कश्मीर पहुंचे थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने किया फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा। कोरोना संकट की इस घड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कर्मचारियों के लिए किए कई बड़े ऐलान। रिलायंस कंपनी कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अगले 5 साल तक मासिक वेतन देना जारी रखेगी। सिंगर नीति मोहन के बेटे को दिया जन्म। पति निहार पांड्या ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की खुशी।